हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ राम देवी एंड दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेकंड सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज द वाटर वी ड्रिंक, वो पानी जो हम पीते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने लेट्स ड्रिंकिंग कंप्लीट कर लिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंप्लीट कर लिया था। हम चलेंगे सोर्स ऑफ वाटर, वाटर के कौन से सोर्स हैं, यानी कि हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी के स्रोत। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है, हमें पानी कहाँ से मिलता है। तो वाटर कम्स फ्रॉम रेन, आप जानते हो जब वर्षा होती है तो पानी जमीन पे गिरता है, धरती पे गिरता है। तो रेन भी क्या हो गया, वर्षा का यानी कि पानी का सोर्स हो गया। रेन फॉल्स ऑन अर्थ, यानी कि जब बारिश होती है तो पानी कहाँ गिरता है, जमीन पे गिरता है। रेन वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, और जो वर्षा का पानी है यानी बारिश का पानी है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है जमीन पे। अगर वर्षा होना बंद हो जाए तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाएगी, यानी पानी बहुत कम हो जाएगा। फिर रेन जब वर्षा होती है तो पानी जो वर्षा होता है पानी जमीन पे गिरता है, वो जाता कहाँ है। तो रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन रिवर्स, जो पानी है वर्षा का पानी है वो रिवर्स ये नदियाँ जानते हो, नदियों में जाके इकट्ठा हो जाता है। लेक्स नदी से छोटा था, झील की तरह होती है, झील में जाके, पॉन्ड्स तालाब में जाके, टैंक्स एंड वेल्स, टैंक्स जो वाटर टैंक्स होते हैं उनमें, और वेल्स जो कुएं होते हैं उनमें। जब वर्षा होती है तो इन जगह जाके पानी इकट्ठा हो जाता है, कहाँ कहाँ, नदियों में, लेक्स झील जो होती है उसमें, तालाबों में, वाटर टैंक्स में, वेल्स में जाके पानी इकट्ठा हो जाता है। सो वाटर इवन सीव्स इन एंड गेट्स कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड, कुछ पानी क्या जमीन सोख लेती है, यानी पानी पी जाती है जमीन, और वो जाके क्या बन जाता है, अंडरग्राउंड वाटर हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर जैसे हम सबमर्सिबल लगाते हैं, हैंडपम्प लगाते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं उससे, उसकी हेल्प से, सबमर्सिबल की हेल्प से, मोटर की हेल्प से, ट्यूबवेल लगते थे पहले खेतों में, उसकी हेल्प से हम अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं। और अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से मिलता है, जब बरसात होती है तो जमीन जो है उस पानी को सोख लेती है, तो उस समय अंडरग्राउंड वाटर प्राप्त हो जाता है। आगे दिस वाटर कैन बी क्लीन एंड सप्लाई टू आवर होम्स थ्रू पाइप्स एंड टैप्स, इस पानी को हम क्या करते हैं, साफ कर सकते हैं, सब तो आरओ वगैरह लगा हुआ है, उसकी हेल्प से हम पानी को क्लीन कर लेते हैं और फिर सप्लाई कर देते हैं घरों में, किसके द्वारा, पाइप्स एंड टैप्स, पाइप लगे होते हैं, जैसे किसी टाउन में या सिटी में जब जाओगे अब तो वहाँ बड़े बड़े वाटर टैंक लगे होते हैं, फिर उन्हें पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर पानी को इकट्ठा करके घरों में कैसे भेजते हैं, पाइप लगाते हैं वो, और घरों में टेप्स लगा दिए जाते हैं, तो जितना पानी लेना है टेप खोल के पानी ले सकते हैं, और उससे पानी, उससे फिर हम पानी का यूज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है इसका गुड वाटर सेविंग हैबिट्स, यानी कि जो हमारी पानी बचाने की जो गुड हैबिट्स हैं, यानी कि हमें पानी बचाने की अच्छी आदत डालनी चाहिए। जहाँ पानी में फालतू बहता हुआ दिख रहा हो उसको तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ही रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा। वाटर इज लाइफ, पानी क्या है, जीवन है, जल ही जीवन है, पढ़ा हुआ आपने देखा हुआ, तो जल क्या है, जीवन है हमारा। पानी को बचाएंगे उतना ही हमारे लिए आगे फ्यूचर यूज के लिए, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारी जो फ्यूचर जो जनरेशन होगी उसके लिए पानी बचा रहेगा। तो ये हमारी सेविंग हैबिट्स हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए। तो वाटर इज बेसिस फॉर लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान है, जैसे कि हमें जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो जिंदा हैं, उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है पानी। पानी के बिना क्या है, जीवन नहीं है किसी भी लिविंग थिंग्स का। तो वी शुड ऑलवेज सेव वाटर, हमें हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज वाटर केयरफुली एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को जब यूज़ करें तो बहुत सावधानी से करें, बहुत देखभाल के सोच समझ के करें, कहीं भी वाटर लीकेज हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उसको तुरंत बंद करें। एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट, और उसको बर्बाद ना करें, उसको बेकार ना रहने दें। वेस्ट माने होता है बर्बाद करना, बेकार में बिना यूज के उसको बहा देना। तो हियर आर सम थिंग्स वी कैन डू टू सेव वाटर, यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ सजेशन दिया हुआ है जिनके द्वारा हम पानी को बचा सकते हैं। तो फर्स्ट में सजेशन, फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड मेक श्योर नो टेप इन द हाउस इज लीकिंग, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कोई भी जो नल लगा होता है हमारे घर में, टंकी से टोटी बोलते हैं टोटी, तो वो कभी लीकेज ना कर रही हो कहीं भी,
उसमें कहीं लीकेज ना हो, लीकेज होता है टप टप पानी टपकता रहता है गुनगुन करके, तो वो उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो पानी कहाँ जाता है, वेस्टेज में जाता है। वैसे टर्न ऑफ द टैप बाय ब्रशिंग आवर टीथ, जब हम दांत धोते हैं क्या करते हैं, ब्रश लगाया मुंह में और ब्रश करते जा रहे हैं, नीचे टंकी खुली हुई है, टेप खुला हुआ है, यानी कि टोटी खुल रही है, पानी नीचे वेस्ट बह रहा है, तो ये सब ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब पानी हमें यूज करना है तभी ऑन करें उसे, नहीं तो तुरंत ऑफ कर दें, ब्रश करते रहें उसको ऑफ करें। आगे वी शुड यूज ए बकेट टू हैव ए बाथ इंस्टेड ऑफ शावर और ए रनिंग टैप। हमें शावर वगैरह जब नहाने जाते हैं वॉशरूम में, हमें बाथरूम में जब नहाने जाते हैं तो क्या करते हैं, जो शावर वगैरह लगा होता है हमें उसको खोल के उससे नहाते हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, हमें उसकी जगह क्या यूज़ करना चाहिए, बाल्टी, बाल्टी को भरो फिर मग लो उससे नहाओ, उससे पानी की बचत हो जाती है। Whenever it rains, जब कभी वर्षा होती है तो we can keep some buckets outside to collect rainwater। हमें क्या करना चाहिए, पानी को जो बकेट होती है, बाल्टी होती है, उसको बाहर रख देना चाहिए, उससे क्या होगा उसमें पानी भर जाएगा, उस पानी को हम अपने फ्लश वगैरह में यूज कर सकते हैं और गार्डनिंग में, यानी कि जहाँ हमारे पेड़ पौधे लगे होते हैं उसमें पानी को डाल सकते हैं, तो उससे हमारा पानी बचेगा। Later we can use this water to wash our water the plants। उससे अपनी गाड़ी वगैरह में धो सकते हैं और पानी पौधों में भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिलिंग आपको फिलिंग दी ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स ये करा देता हूँ, अभी ब्लैकबोर्ड पर करा देता हूँ और आंसर तो फॉलोइंग है, आप खुद करने की कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके आंसर सुनूंगा, आप उसको अपने क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा कितना सही है, ठीक है, फिर आगे आप स्कूल में उसे चेक करा सकते हैं, ठीक है, स्कूल में भी आपको टीचर्स मिलेंगे, आपकी कॉपी चेक होगी, तो आप स्कूल में आके चेक करा सकते हैं। तो मैं भी फिलिंग नेक्स्ट करा देता हूँ, तो ये एक्सर निकाल लीजिए पेज नंबर 19 पे, फर्स्ट ए है फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स यूजिंग गिवन इन द बॉक्स, ये आपको जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं इन्हीं का यूज, इन्हीं को यूज करके नीचे भरना है। तो फर्स्ट क्या है, वी शुड यूज क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें कौन सा वाटर यूज करना चाहिए पीने के लिए, क्लीन, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, क्लीन। सेकंड वाले में वी ऑल नीड वाटर टू लिव, या जीने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, तो जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसका मतलब है। थ्री, रेन वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, जैसे आपने मैंने बताया थोड़ी देर पहले, इसमें क्या आएगा, रेन वाटर। वी शुड ऑलवेज सेव वाटर, हमेशा पानी की बचत करनी चाहिए, क्या आएगा, सेव। आगे देखो ट्रू फॉल्स है, नी वाले कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, एनिमल्स डू नॉट नीड वाटर, क्या जानवर को पानी की आवश्यकता नहीं होती है, होती है, यस, क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा, क्या हो गया इसका, फॉल्स। वी नीड वाटर टू कुक, यस, खाना बताते हैं पानी की जरूरत होती है, क्या हुआ, ट्रू। थ्री, ऑल द वाटर दैट वी गेट कम्स फ्रॉम ओशंस, जितना भी पानी हमें जमीन पे मिलता है, मिलता है ओशन से आता है, नो, ऑल द वाटर दैट वी गेट कम्स फ्रॉम ओशंस, जितना ही पानी है वो ओशन से मिलता है हमें, नहीं नदी वगैरह से और भी जगह से मिलता है, ठीक है, आ जाएगा फॉल्स। वी शुड टाइम ऑफ द टैप प्रॉपरली टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, यस, तो जब पानी की खराब मतलब वेस्ट होने से बचाने के लिए हमें उसको टाइम ऑफ प्रॉपरली कर देना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका ट्रू फॉल्स, आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आंसर द फॉलोइंग कराऊंगा, उससे पहले आप घर पे इसको करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सी पार्ट को करने की कोशिश करेंगे बुक की हेल्प से, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।